हेलो व्यूअर्स, मैं आज बनाने वाली हूँ बैंगन का भरता। और ये इनके इंग्रेडिएंट्स हैं। और ये है प्याज, एक बड़ी अंडी मैंने इसको महीन काट लिया। और ये चार ग्रीन चिली हैं। और ये अदरक लहसुन मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। और ये है 1 स्पून। और ये है हरा धनिया 1 बंच। और ये है रेड शिमला मिर्च, ये एक ले ली है। और ये ग्रीन वाली एक ले ली है। और ये एक बैंगन है। और ये है मसाले, ये ड्राई मसाले पड़ेंगे। ये है ज़ीरा पाउडर, ये है ज़ीरा, और ये है नमक, ये सब हाफ टी स्पून है। और ये है गरम मसाला, ये है सूखा धनिया पाउडर, और ये है हल्दी हाफ, ये सारे आधे चम्मच हैं। और ये है रेड चिली, लाल मिर्च का पाउडर। और बीच में ये रखा हुआ है, ये है चाट मसाला, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डाल दें, वरना कोई ज़रूरत नहीं। और लास्ट में हींग भी पड़ती है, हींग भी ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें वरना नहीं डालें। अब मैं दिखाती हूँ ये बैंगन, ये इसको मैं बीच से काट के, ये भी अगर आप चाहें तो आप ऐसे ही इसको रोस्ट कर लें, और अगर आपको सही लगे तो आप ये इसको, ये मैं बीच से एक और ये दो, इसको मैं इसके अंदर ये मिर्च रखती हूँ। ये हो गई मिर्च, ये दूसरे साइड भी मैं एक मिर्च रखती हूँ, ये भी हो गई अंदर एक मिर्च। ठीक है, मैं अब ये तीसरा कट लगा रही हूँ, ये तीसरा कट है। तीसरे कट में मैं ये लहसुन रख रही हूँ, लेकिन ये ऑप्शनल है, अगर आप लोग चाहें तो करें, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। सादा जब अदरक लहसुन पड़ रहा है तो वो भी, लेकिन इससे थोड़ा टेस्ट अच्छा आ जाता है, लहसुन भुन जाता है तो इससे अच्छा टेस्ट आ जाता है। ये हो गया, अब मैं इसके ऊपर ऑयल लगा के और चूल्हे पे रखती हूँ। ये मैंने अब इसके ऊपर ये ऑयल, ये देखिए लगा दिया, ये ग्रीस कर दिया है। अब मैं इसको चूल्हे पे रख के इसको रोस्ट करती हूँ। व्यूअर्स देखिए, ये मेरा अब बैंगन अभी मैंने इस पर रख दिया है। अब ये होने वाले को मैं उतार के फिर इसके छिलका निकाल के फिर मैश करूँगी। ये देखिए मैंने सारा ये सारा मैश हो गया। ये देखिए मेरा फ्राई पैन अब ये गर्म हो गया है। और अब मैं डालती हूँ इसमें 2 चम्मच, बड़े 2 चम्मच ऑयल, 1-2 हो गया, मैं ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ, आप लोग ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब मैं डालूंगी इसमें ज़ीरा, बस तेल ये होने वाला है, मैं ज़ीरा डालूंगी इसमें, ये डाल दिया ज़ीरा। ज़ीरे के बाद में थोड़ी सी हींग, हींग भी ऑप्शनल है, अगर आप लोग चाहें तो हींग डालें, वरना कोई ज़रूरत नहीं। मैं डाल दे रही हूँ थोड़ी सी हींग, खुशबू अच्छी आ जाती है। अब मैं इसमें डालती हूँ ये अदरक लहसुन, तो बहुत जल्दी बन जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ये हो गया, अब मैं डाल दी हूँ इसमें ओनियन, ओनियन में
थोड़ा टाइम लगता है, तो बस अभी ब्राउन होने तक ये हल्का ब्राउन हो रहा है। साथ साथ मैं इसमें अब डालती हूँ ये दोनों शिमला मिर्च, रेड एंड ग्रीन। और अगर आप लोगों के पास में शिमला मिर्च नहीं है तो कोई बात नहीं, टेस्ट तो वैसे ही इसका अच्छा होता है। आप लोग इसकी जगह पे टमाटर डाल दें, अगर आपके पास रेड शिमला मिर्च नहीं है तो टमाटर डाल दें। अब ये देखिए मेरी तीनों चीज सॉटे हो गई है। अब इसमें मैं डालती हूँ हल्दी, हल्दी के साथ में ये हरी मिर्च, ये हरी मिर्च हो गई। अब मैं इसमें ये डाल रही हूँ, ये हो गया बैंगन। और ये बैंगन डाल दिया, इसको कम से कम 10 मिनट तक भूनना है। अब मैं इसमें डालती हूँ सारे मसाले, ये जो ड्राई मसाले थे ये सारे मसाले। ये देखिए मेरा भरता पूरा भून गया है खूब अच्छे से, उसकी खुशबू भी अच्छी आने लगी है। मैं इसमें धनिया डाल ली है, धनिया और साथ में आधा नींबू, नींबू भी ऑप्शनल है अगर आप लोग चाहें तो डालें, वरना नहीं, थोड़ा नींबू डालने से टेस्ट और अच्छा आ जाता है। बस आधा नींबू डाला है, अब ये बैंगन का भरता रेडी हो गया। और अगर आप लोग के पास शिमला मिर्च नहीं है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, तो आप लोग टमाटर डालें, लेकिन इसका टेस्ट ज़बरदस्त है, ज़रूर ट्राई करिएगा। और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। ये मेरा भरता रेडी, अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। व्यूअर्स देखिए ये मेरा चटपटा बैंगन का भरता तैयार हो गया है, इसको आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत टेस्टी होता है। प्लीज़ ज़रूर ट्राई करिएगा और फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि कैसा बना। और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ में इंशाल्लाह मैं फिर आऊँगी। और आप सब अपना ख्याल रखें, साथ में दुआओं में ज़रूर याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।